और यूपी की सियासत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। सांसदों को विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाएगी बीजेपी, ये सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर। एक परिवार से एक ही सदस्य को टिकट मिलेगा, ये भी इसमें क्लियर किया जा रहा है। बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी से गठबंधन नहीं किया जाएगा। और अपर्णा यादव, जी हाँ, मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव, अपर्णा यादव की सीट पर फैसला बीजेपी करेगी, ये भी सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर है। जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट देगी बीजेपी, ये सोर्सेस के हवाले से तमाम बड़ी खबरें जो निकल कर सामने आ रही है बीजेपी से जुड़ी, यूपी की सियासत से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे पर बागियों को बेनकाब करेगी बीजेपी, तो ये बड़ी खबर यूपी की सियासत से जुड़ी हुई। आमोद राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमोद, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि इसमें अपर्णा यादव का भी जिक्र किया गया है, यह भी बताया जा रहा है कि जो सांसद है उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, दिल्ली में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है? बिल्कुल, देखिए करुणा, अपर्णा यादव जो मुलायम सिंह की बहू हैं, बहुत जल्द पार्टी ज्वाइन करने वाली है, अगले एक दो दिन में उनकी पार्टी में ज्वाइनिंग होना तय है। और इसके साथ ही वो चुनाव कहाँ से लड़ेंगी ये भी बीजेपी तय करेगी। हालांकि जो पहले से ही चर्चा थी कि उनको दिल्ली कैंट से टिकट मांग रही हैं, वहां से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, पार्टी ने एक तरह से साफ किया है कि टिकट कहाँ से मिलेगा ये पार्टी तय करेगी, ये उम्मीदवार तय नहीं करता है, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग जरूर हो रही है बीजेपी में, ये बात स्पष्ट है और तय है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है कि बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, जो चर्चा चल रही थी, कुछ राउंड की बातचीत भी हुई थी नेताओं से, ऐसी बात आ रही थी, लेकिन अब वो उस पर विराम लग गया है और बीजेपी सूत्रों का दावा है कि बाबू सिंह कुशवाहा के साथ कोई अलायंस होने नहीं जा रहा है। करुणा जी, यानी ये मानकर चला जाए, क्योंकि इससे पहले अभी तक जो दो फेसेस की उम्मीदवारों की लिस्ट है उसको पहले ही सामने रखा गया है और आने वाली जो लिस्ट है उसमें ये सब कुछ रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। अब अपर्णा यादव, जिसका आप बता रहे हैं कि इसमें तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि कहाँ से उनको टिकट दिया जाता है और सांसदों का भी इसमें जिक्र किया गया है, ये जो लकीर खींची गई है, ये जो तमाम खबरें आप बता रहे हैं, जो लकीर खींची गई है, किस तरह से इसको देखा जाए? देखिए, साफ तौर पे बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है और उसको ऐसा लग रहा है कि जो अभी नेता गए हैं, जो जो पिछड़े क्लास के नेता अभी पार्टी छोड़ के गए हैं, उनके जाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और उनके कार्ड के तौर पे जमीनी नेता पार्टी ने तैयार कर लिए हैं दूसरी कतार के, और इसी वजह से वो नेता छोड़कर भी पार्टी गए हैं, ऐसा बीजेपी सूत्रों का कहना है। दूसरी बात, जो नेता है, जो विजिबिलिटी फैक्टर इसमें महत्वपूर्ण होगा, जिनको टिकट दिया जाएगा, किसी भी सांसद को टिकट नहीं दिया जाएगा और परिवारवाद किसी भी तरह से हावी होता नहीं दिखेगा बीजेपी पर, यह साफ हो चुका है। और एक परिवार से दो व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगा, ये भी एक तरह से बीजेपी सूत्रों के मुताबिक लगभग तय है कि किसी भी एक परिवार से दो लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। इसी जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य अपने और बेटे और परिवार के एक सदस्य और के लिए भी, बिल्कुल, तो जो विनिबिलिटी फैक्टर है, जो विनिंग फैक्टर है, ये सामने रखा जाएगा और जाहिर सी बात तमाम जो सियासी दल है वो उसी फैक्टर के आधार पर अपने तमाम जो फैसले हैं वो करते हैं। और ये फिलहाल जो बीजेपी की तरफ से सोर्सेस के हवाले से खबर है वो सामने आ रही। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता कोरोना। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।